बच्चों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑटिज़म। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ऑटिज़म नाम की जो बीमारी है बच्चों में होती है, तो हमारे पास में बाबा बच्चों को लेके आते। 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, बातचीत नहीं करता। बातचीत वैसे उसको करने आती है, ऐसा नहीं कि उसको बोली भाषा नहीं आती, मगर वैसा कम्युनिकेशन नहीं करता, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। माँ बाप ने नाम पुकारा तो उनके तरफ ख्याल देंगे नहीं, वो उसका नाम से रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो आई टू आई कॉन्टैक्ट देता नहीं है। आई टू आई मतलब आँखों से आँख, नज़र से नज़र नहीं मिलाएगा, वो इधर उधर देखते रहेगा, अपने इसमें खोया रहेगा। ऐसा लगता है कि उससे संपर्क कैसा करना, उसके साथ में रिलेटेडनेस कैसा करना, ऐसा उनको लगता है। ये बच्चों की नज़र एकदम वस्तुओं पे स्थिर रहती है, ऐसा एकदम एक साथ इकट्ठा ऐसा देखेंगे यार, कुछ ना कुछ वो रिपीटेडली एक्टिविटी करते जाएंगे, और फिर शांत रहेंगे, अलूप रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, खेलते नहीं। टॉयज जो है उनके साथ में भी खेलते नहीं है, किसी साथ में टॉयज शेयर नहीं करेंगे, और कोई रिएक्शन देंगे नहीं। माँ बाप बोलते ये बच्चा खुश है कि नहीं है मालूम नहीं पड़ता, रिएक्शन देता नहीं है, खुशी भी नहीं, दुख भी नहीं है, किसी साथ में दोस्ती नहीं करेगा, इशारों से बात करेगा। तो ऐसे जब लेके आते हैं तो हमको क्लियर हो जाता है कि इसको ऑटिज़म है। तो एक इसका कारण क्या है मालूम नहीं है कि भाई ये होता क्या है, होता क्यों है। लियो कैनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1943 में ये टर्म कॉइन किया, और उन्होंने पहली बार इसके बारे में बताया लोगों को। और ये 10,000 बच्चों में 4 से 5 बच्चों को ये हो सकता है। यूजली 3 साल के पहले ये दिखता नहीं, उसकी शुरुआत जो है 3 साल के पहले होती है, धीरे 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 वो दिखाई देता है, मगर 3 साल के बाद में ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। तो सोशल इम्पेयरमेंट जो है, मतलब इसके मुख्य 3 जो लक्षण है वो है कि सोशल इम्पेयरमेंट मतलब लोगों के साथ में रिलेशनशिप नहीं रहना, रिलेटेडनेस नहीं रहना। नंबर 2 संवाद में कठिनाइयाँ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और नंबर 3 बार बार कृति करना। तो ये उनके लक्षण है, और इनका ऐसा कोई इलाज नहीं है कि भाई गोलियां दे दिया तो बच्चा अच्छा हो गया। बच्चों को स्किल्स ट्रेनिंग देना, अलग अलग स्किल्स उनको सिखाना, फिर पेरेंटल काउंसलिंग करना कि भाई बच्चों को कैसा बड़ा करना, उनको कंडीशनिंग कैसा करना, फिर उनको रिवार्ड कैसे देना। तो ऐसे पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि रिवार्ड एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स, वो हम बच्चों को पेरेंट्स को सिखाते हैं। और स्पीच थेरेपी बच्चों को देते हैं। फिर बड़े होने के बाद में ये जब बच्चे लाते हैं तो हमको लगता है कि भाई स्किजोफ्रेनिया है क्या है, मतलब पागलपन जैसा कर रहा है क्या है, क्योंकि ऐसा स्किजोफ्रेनिया, सिंपल स्किजोफ्रेनिया, और ये बच्चे इनमें कोई डिफरेंशिएशन जल्दी करने नहीं आता। मगर हम तभी पहचान सकते हैं कि ऑटिज़म है, ये बच्चे ऑटिस्टिक है पहले से, क्योंकि ये मतलब 2 साल 3 साल का रहा तब से ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। ये बच्चे यूजली इंटेलिजेंट रहते, बुद्धि अच्छी रहती है इनकी, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं रहती, मगर रिलेटेडनेस नहीं है। और फिर धीरे धीरे उनका थॉट भी डेवलप नहीं होता जैसा चाहिए वैसा, और वो आपस इसमें मतलब ड्रीमी स्टेट में रहते हैं। आँख को आँख मिलाएंगे नहीं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, और फिर इनका ट्रीटमेंट भी बहुत कठिन होता है। मगर माँ बाप की क्या करे, वो घूमते रहते इधर उधर। हम लोगों को काउंसलिंग करना, और इसके लिए हम बताते हैं कि भाई इसमें पक्का इलाज ऐसा नहीं है कि दवाई दिया तो अच्छा हो गया। पेरेंटल काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि भाई जीन्स का यदि स्टडी किया कि भाई आगे इनको बच्चे होने वाले तो ऐसे हो सकते क्या, तो जीन्स का यदि स्टडी किया, जेनेटिक स्टडीज, तो हो सकता है कि उसके ऊपर कोई प्रकाश हम डाल सकते हैं, क्योंकि भाई आगे बच्चे उन्होंने करना नहीं करना, आगे बच्चे ऐसे होंगे क्या, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या, तो इसके लिए पेरेंटल काउंसलिंग करना भी ज़रूरी है। तो ये है ऑटिज़म। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ रिलेटिव्स पेशेंट को लेके आते, हम रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट को भर्ती करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत के लिए हम कटिबद्ध हैं। आप भी इसमें हाथ जोड़ सकते हैं, मतलब हाथ लगा सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप ये वीडियो लोगों को ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।